Hi, this is Khushbu with a new question of number system. This is question number 4 of exercise 1.5 from NCERT, page number 24. It says, represent root 9.3 on the number line. आपको root 9.3 को number line पे represent करना है. सबसे पहले, आपको इसके लिए compass, scale और pencil चाहिए होगा. आप एक line draw करोगे. Suppose this is O, this is B. ये लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं 9.3 सेंटीमीटर. 9.3 सेंटीमीटर की आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे. हमें चाहिए रूट 9.3. तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के बाद आप बी के आगे 1 सेंटीमीटर आई मीन 1 यूनिट आगे और ड्रॉ करेंगे. दिस इज 1 यूनिट और इधर 1 सेंटीमीटर आगे से. अब आप लेंगे इस ओसी का मिड पॉइंट. इस ओसी लाइन का मिड पॉइंट बनाने के लिए हम इस लाइन का लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप क्या करते हैं, कंपस में पेंसिल को डालिए. यहां पर आप कंपस को रखेंगे, मोर देन हाफ ओपन करके अब ऊपर एक आर्क कट करेंगे. यहां पे कंपस रख के मोर देन हाफ ओपन करके यहां पर आर्क कट करना है. तो सपोजिंगली आर्क यहां कट होता है, फिर एक बार यहां रखकर आर्क कट करेंगे और उसके बाद जो आपके पास पॉइंट आएगा यहां से दैट विल बी द मिड पॉइंट. सपोज ये पॉइंट है डी, ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट. अब इस पॉइंट पे रख के और यहां पे रख के इसको रेडियस मान के आप इससे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि सीधा आएगा. सो दिस इज द सेमी सर्कल. इसके बाद जो आप बीसी ड्रॉ कर लेंगे, इसका सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट बी पर रखकर हम डालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगेन. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम यहां पर कंपास रखेंगे, यहां से डालेंगे आप, इस तरह से सेमी सर्कल बनेगा. 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं. एक बार कंपस यहां रखेंगे, यहां आप कट होगी. एक बार आप कंपस यहां रखेंगे, यहां आप कट करेंगे और यहां से लाइन को ज्वाइन कर देंगे. जिस पॉइंट पे कट कर रही है हम उस पॉइंट को लेबल कर देते हैं ई. अब इस बी को रेडियस मान के और कंपस को यहां से लेके यहां तक खोल के, बी को सेंटर मान के बी ई को रेडियस लेके आप कट करेंगे, लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं. ये लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, इसको इतना ओपन करके आप कट करेंगे. सपोज वो आप यहां कट हो रही है तो ये इधर ज्वाइन कर देंगे. सपोज दिस इज पॉइंट एफ, तो बी से लेके एफ तक जो आपके पास आ रहा है इतना पोर्शन बी एफ, ये आपके पास है रूट 9.3. तो बेसिकली बी एफ हमारे पास है रूट 9.3. इस तरह प्लॉटिंग की जाती है जब रूट में प्लॉट करते हैं. सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी ओबी 9.3, उसके बाद आपने 1 यूनिट एक्स्ट्रा ड्रॉ करा बी सी, ओसी का मिड पॉइंट लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल के, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, बी पे रख के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डाला 90 का एंगल, दैट मींस कंपास से बनाना है. इस तरह से ये लाइन आपके सेमी सर्कल को कट करे, इस पॉइंट को और इसको पूरे को रेडियस मानते हुए बी पे रख के आप कट करेंगे जो कि इस लाइन पे कट होगी. तो जो बी और ये लास्ट पॉइंट आएगा दिस विल बी रूट 9.3. So this was 4th question from exercise 1.5, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.